एक बहुत ही लंबे समय से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक कमी थी, वो थी एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड की, जो कमी कल पूरी हो चुकी है। तो माइक्रोमैक्स वापस आ चुका है अपने दो नए फोन लेकर। पहला फोन है इन नोट 1 और दूसरा फोन है इन 1B। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों फोनों के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ अपने पर्सनल ओपिनियन भी रखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टैक टैक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन भी शो होगा उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों को माइक्रोमैक्स के दोनों फोनों के बारे में तो पता चल ही गया होगा, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनके स्पेसिफिकेशन और बात करेंगे अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन नोट 1 के साथ। इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, और इसके अंदर आप एक अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज की। इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD स्क्रीन देखने को मिलती है, और ये आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। और अब चलते हैं इसके कैमरे की तरफ। इसके अंदर आपको एक क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, फिर उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। फिर अगर सेल्फी की तरफ चलें तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलती है, जो आपको 78 डिग्री वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड कराती है। और आप इसके फ्रंट कैमरे से GIF भी क्रिएट कर सकते हो, अब आप जो भी बोलते हो GIF या फिर GIF। और फिर अगर और इसकी कैमरे की थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन पे चले, तो आप इसके अंदर जो AI देखने को मिलती है वो अलग अलग सीन्स को डिटेक्ट कर सकती है, और इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड नाइट मोड भी देखने को मिलता है। फिर अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको एक पावर हाउस देखने को मिलता है 5000 mAh का, जो आपको 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात इस फोन की, इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको सारे बेसिक सेंसर और फीचर तो देखने को मिलते ही हैं। और अगर थोड़ा वाईफाई की तरफ चलें तो इसके अंदर 5 GHz के बैंड को भी ये वाईफाई के सपोर्ट करता है, जिसके अंदर आपको अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो आपको एक अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। और इसके कलर वेरिएंट की बात करें, इसके अंदर आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, एक है ग्रीन और एक है व्हाइट। ये से सिंपल ग्रीन और व्हाइट बोलते हैं, और बाकी आप जो मर्जी चाहें वो बोल सकते हो। फिर अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, इसके अंदर आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, और दूसरा जो वेरिएंट है उसमें सेम 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है हमारा प्राइस, तो इसके फर्स्ट वेरिएंट यानी 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का प्राइस है 11,000 रुपीज़, और 4GB रैम और 128GB वाले वेरिएंट का प्राइस है 12,500 रुपीज़, जो कि अपने प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल ही बवाल मचा चुका है, आग लगा दी है इस प्राइस ने। और मैं भी कहूँगा हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस है, और शायद रेडमी वगैरह अभी तो इसे बीट नहीं कर पाएंगे। और हाँ, एक फीचर ऐसा जो जस्ट मैं मिस कर ही चुका था, वो है कि इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है, जिसका मतलब है नो ब्लोटवेयर, और एक ऐसा सीमलेस एक्सपीरियंस जिसके अंदर आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलती, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और माइक्रोमैक्स आपको 2 ईयर की गारंटी प्रोवाइड करा रहा है कि वो आपको लगातार अपडेट प्रोवाइड कराएगा, जो एक चेरी ऑन द केक का काम करता है। और अब बात करते हैं इसके अगले बजट चैंपियन की, वो है इन 1B। तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, और अगर इसके प्रोसेसर की तरफ चलें तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर बैटरी बात करें, बैटरी यहाँ पर भी सेम 5000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, पर यहाँ पर आपको 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है विद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे लिए अच्छा ही है, कम प्राइस में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इसके कैमरे की तरफ जाएं तो आपको इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और फिर अगर इसके फ्रंट में देखें तो आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और अगर रैम और स्टोरेज पे चले तो इसके अंदर आपको 2GB की रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, और 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलती है। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वो था प्राइस। तो प्राइस अगर देखें हम 2GB और 32GB की, वो है 6999 और 7999। और अगर फिर इसकी बात करें कलर वेरिएंट की, तो इसके अंदर आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की, यानी आपको इन नोट 1 और इन 1B कब देखने को मिलेगा। ये आपको फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे परचेज कर सकते हो। और इन नोट 1 की परचेज करने की डेट है 24th of November, और इन 1B को आप परचेज कर सकते हो 26th of November को। अब बारी आती है हमारे पर्सनल ओपिनियन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन नोट 1 के बारे में, तो मुझे अपने पर्सनल लेवल पर तो इसके अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिलती, और ये जिस प्राइस सेगमेंट में आता है मैं नहीं कह सकता कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ की कमी है।
और ऊपर से अगर मैं इसे दूसरे फ़ोनों के साथ कंपेयर करूँ जैसे MI का या फिर किसी और ब्रांड के साथ, तो वहाँ पर आपको प्राइस भी ज़्यादा देखने को मिलता है और MI के साथ तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि एड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर तो मैं माइक्रोमैक्स को एक क्लियर विनर बोलूँगा और इंडियन ब्रांड है तो हमारा सपोर्ट तो पक्का माइक्रोमैक्स को मिलने ही वाला है। फिर और अब बात करते हैं N1B के बारे में। तो वैसे जिस प्राइस सेगमेंट पे आया है वो बहुत ही एक अच्छा प्राइस सेगमेंट है, बट स्टिल जो मुझे कमी यहाँ पर दिखाई दे गई वो ये थी कि जो इसका स्पीकर ग्रिल है वो शायद पीछे की तरफ दे रखा है जहाँ तक मुझे पिक्चर में दिखाई दिया। और अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको जब आप इसे अपने फ़ोन को टेबल के ऊपर रखोगे तो आपको साउंड थोड़ा कम सुनाई दे, बट हाँ ये डील ब्रेकिंग नहीं है। आज से पहले भी हमारे पास फ़ोन थे ऐसे, तो इतना कुछ ऐसा होने नहीं वाला। डील ब्रेकिंग तो ये डील है नहीं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो हाँ, मैं अल्टीमेटली ये बात कह सकता हूँ कि माइक्रोमैक्स जो अभी तक टीज कर रहा था कि इस बार चीनी कम, तो इस बार सच में चीनी कम हो चुकी है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम उस पर जल्द से जल्द काम कर सकें। थैंक यू।